हेलो बच्चों, तो चलिए स्टूडेंट बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो बच्चों बेटा, लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो रिलेटिव वेक्टर के बारे में पढ़ाया था कि भाई रिलेटिव वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के बारे में हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे, कुछ बातें जानेंगे कि कैसे और वेक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो बेटा रिलेटिव वेक्टर के बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट वेक्टर आता है इसका नाम है यूनिट वेक्टर। देखो बेटा, रिलेटिव वेक्टर के बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट वेक्टर आता है इसका नाम है यूनिट वेक्टर। अब देखिए, यूनिट वेक्टर हम कहेंगे किसे? भाई यूनिट वेक्टर हम किसे कहेंगे? बेटा यूनिट वेक्टर हम उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के इक्वल। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। अब ये 1 क्या है? ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 1 मीटर भी हो सकता है, ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ये 1 कुछ और भी हो सकता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी वेक्टर का जो मॉड है वो 1 के इक्वल होगा तो ये वेक्टर बेटा हमारा कहलाएगा यूनिट वेक्टर। समझ आ रही है बात आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। ये हमारा यूनिट वेक्टर है बेटा, समझ आ रही बात? ये है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट भाई, फॉर एग्जाम्पल हमें एक पॉइंट दे रखा है ए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। ठीक है बेटा, एक दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है बी और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6। हमें एक पॉइंट दिया गया है ए और दूसरा पॉइंट बेटा हम लोगों को दिया गया है बी। हमने ए से बी की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ किया, हमने ए से बी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया तो हमारे पास में क्या बन गया जरा देखो। ये जो ए बी वेक्टर है ना स्टूडेंट, बेटा इसे हम लोग नाम देंगे रिलेटिव वेक्टर। ये जो दो पॉइंट हमें गिवन दिए गए हैं, इन दो पॉइंट की वजह से जो वेक्टर बनेगा ये हमारा रिलेटिव वेक्टर कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इन दो पॉइंट के बीच में जो वेक्टर बनेगा वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव वेक्टर। अब कैसे निकालेंगे हम रिलेटिव वेक्टर को, जरा ध्यान दीजिए। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम एक काम करेंगे बेटा, यह है हेड और यह है टेल। आप जानते हैं कि रिलेटिव वेक्टर निकालने के लिए हम हेड में से टेल को माइनस करते हैं, तो 4 में से माइनस करेंगे 1 को, यह आएगा 3 और पीछे लग गया है आई कैप। 5 में से माइनस करेंगे 2 को, यह आएगा बेटा हमारे पास में 3 और ये लग गया है जे कैप। 6 में से माइनस करेंगे 3 को, ये आ गया है हमारे पास में 3 और ये लग गया है के कैप। बेटा ये बन गया है हमारे पास में रिलेटिव वेक्टर। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ये हमारा रिलेटिव वेक्टर बन गया है। अच्छा, रिलेटिव वेक्टर बनने के बाद ये जो आई के सामने लिखा है ये कहलाएगा ए, ए इज इक्वल टू 3। ये जो जे के सामने लिखा हुआ है ये कहलाएगा बी और ये जो के सामने लिखा हुआ है ये 3 हो गया हमारे पास में। ए की वैल्यू हो गई है 3, बी की वैल्यू भी हो गई है 3 और सी की वैल्यू भी हो गई है 3। बेटा इसे हम लोग नाम देने वाले हैं डायरेक्शन रेशो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। ये बेटा हमारा डायरेक्शन रेशो कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये कहलाएगा हमारा डायरेक्शन रेशो। ये हमने डायरेक्शन रेशो निकाल दिया। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ रिलेटिव वेक्टर निकालना है और मुझे बनाना है इस रिलेटिव वेक्टर से यूनिट वेक्टर। अब मैं यूनिट वेक्टर कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका है, यूनिट वेक्टर सबसे पहले आप ये देखो, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब तक तो हम वेक्टर के ऊपर एरो का साइन लगा रहे थे, जब ए बी के ऊपर कैप का साइन लगेगा, ये कैप दिख रही है आपको कैप, ये कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी बेटा। ये जो ए बी के ऊपर कैप लगी हुई है ना, ये कैप रिप्रेजेंट करेगी यूनिट वेक्टर को। समझ रहे हो? और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका यह है, रिलेटिव वेक्टर को उस वेक्टर के मोड से डिवाइड कर दीजिए। जब आप रिलेटिव वेक्टर को उसके मोड से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब रिलेटिव वेक्टर तो है हमारे पास में,
हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में इसका मॉड नहीं है। चलिए पहले हम इसका मॉड निकालते हैं। देखो बेटा मॉड कितना आएगा, अंडर रूट। आई के सामने क्या लिखा हुआ है, 3। हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और हमारे पास में वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट 27। हमारे पास में वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट 27। सो हम लिखेंगे बेटा ए बी कैप इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर हम लोगों को दे रखा है ये 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन, नीचे आ गया है बेटा मेरे पास में अंडर रूट 7। और आप ये समझिए कि ये वेक्टर बेटा मेरा बन चुका है यूनिट वेक्टर। लीजिए स्टूडेंट, ये वेक्टर बेटा मेरा बन चुका है यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर की खास बात ये होती है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। जो यूनिट वेक्टर होता है ना बेटा, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे। नोट करिए, अभी काफ़ी कुछ है यूनिट वेक्टर में बताने के लायक, पहले आप लोग देख लीजिए आराम से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट, तो बेटा कुछ इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी सभी बातें और कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, हमें एक वेक्टर ऑलरेडी गिवन दिया गया है और ये वेक्टर है हमारे पास में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये वेक्टर बेटा ऑलरेडी हम लोगों को ना गिवन दिया गया है, वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस वेक्टर को बेटा हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव वेक्टर। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना स्टूडेंट, इस वेक्टर को हम नाम देते हैं रिलेटिव वेक्टर। हमें इस रिलेटिव वेक्टर को कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये देखिए, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पी क्यू है मैंने इसके ऊपर कैप लगा दी है बेटा, ये जो कैप है ये यूनिट वेक्टर को दिखाएगी। और इस यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका ये है कि वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करेंगे, वेक्टर को हम उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। अब आप देखो पी क्यू वेक्टर हो गया हमारे पास में ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब देखिए मॉड कितना आएगा हमारे पास में, भाई मॉड आने वाला है हमारे पास में आई के सामने क्या लिखा हुआ है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, जे के सामने क्या लिखा हुआ है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस के सामने क्या लिखा हुआ है 1, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो बेटा देखो मेरे पास में बन गया है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर मेरे पास में बना है 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप यहाँ बना है बेटा मेरे पास में, 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप, और ये बना है मेरे पास में 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। लो बेटा ये बन गया है हमारे पास में यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर रिलेटिव वेक्टर होगा, अगर रिलेटिव वेक्टर होगा तो ये जो 1 है, ये जो 1 है और ये जो 1 है, इन्हें तो हम नाम देते हैं बेटा डायरेक्शन रेशो का। काहे का नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन रेशो का। लेकिन यूनिट वेक्टर बनाने के बाद, अब देखो हमने यूनिट वेक्टर बना लिया ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाने के बाद ये जो आई के सामने लिखा हुआ है ये कहलाएगा हमारा एल, एल की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, ये जो जे के सामने लिखा हुआ है ये कहलाएगा हमारा एम, एम की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 3।
और ये जो k के सामने लिखा हुआ है ये कहलाएगा बेटा हमारा n, n की वैल्यू हो गई है 1 अपॉन अंडर रूट 3, l हो गया है हमारे पास में 1 अपॉन अंडर रूट 3, m हो गया है 1 अपॉन अंडर रूट 3 और n हो गया है 1 अपॉन अंडर रूट 3। इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा a, इसे हम बोलते हैं b और इसे हम बोलते हैं c। इनका नाम होता है डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। और जब मैंने यूनिट वेक्टर बना लिया है तो इसे कहेंगे l, इसे कहेंगे m और इसे कहेंगे n। और ये जो l, m और n निकल कर आया है ना स्टूडेंट आपके पास में बेटा, इन्हें नाम दिया जाता है डायरेक्शन कोसाइन, इन्हें नाम दिया जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ए बी सी को हम नाम देते हैं डायरेक्शन रेशो। समझ आ रही है बच्चों बात? ये जो ए बी और सी है ना हमारे पास में, इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन रेशो। और ये जो एल एम और एन है इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये कंसेप्ट हमारा स्टूडेंट रहता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, मैं और कंसेप्ट आप लोगों को इसके ऊपर बताऊंगा बेटा। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारे पास में, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास में, हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है P, ये है 101। ठीक है, हमें एक पॉइंट दिया गया है P जिसके कोऑर्डिनेट है 101। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है Q, इसके कोऑर्डिनेट है 324। ये हमारे पास में दूसरा पॉइंट है 324। ओके स्टूडेंट, हमने बेटा P से Q की तरफ बनाया एक वेक्टर, बना दिया एक वेक्टर। अब हमें ये कहा गया है कि आपको ये बताना है फाइंड डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, हमें सर क्या क्या बताना है जरा ध्यान दीजिए। नंबर वन हमें बताना है बेटा, नंबर वन हम लोगों को बताना है स्टूडेंट रिलेटिव वेक्टर। रिलेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा हमें ये बताना है। ओके, नंबर टू पर हमें बताना है डायरेक्शन रेशो। नंबर टू पर हमें बताना है डायरेक्शन रेशो। नंबर थ्री पर हमें बताना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। और नंबर चार पर बेटा हम लोगों को बताना है डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन। लीजिए स्टूडेंट, ये है बेटा हमारे पास में रिजल्ट। ओके, समझ रहे हो आप लोग? ये हमारे पास में रिजल्ट है, हमें रिलेटिव वेक्टर बताना है, डायरेक्शन रेशो बताना है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बताना है और डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं रिलेटिव वेक्टर। देखो बेटा रिलेटिव वेक्टर बन गया हमारे पास में है, ये तो हो गई टेल और ये हो गई हेड। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये हो गया है हमारा टेल और जो आगे वाला हिस्सा है ये हो गया है हेड। हम क्या करने वाले हैं, हम हेड में से टेल को माइनस करने वाले हैं, हेड में से टेल को माइनस करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 3 में से माइनस करेंगे 1 को, तो ये आएगा 2 और ये बन गया आई कैप। हम 2 में से माइनस करेंगे 0 को, तो ये बन गया 2 और ये हो गया जे कैप। हम 4 में से माइनस करेंगे 1 को, तो ये हो गया 3 और ये हो गया है के कैप। लो बेटा ये बन गया हमारे पास में रिलेटिव वेक्टर, ये बन चुका है स्टूडेंट हमारे पास में रिलेटिव वेक्टर। इसके बाद आते हैं बेटा, अब हमें बताना है डायरेक्शन रेशो। ये बताइए आई के सामने क्या लिखा हुआ है, आई के सामने लिखा हुआ है 2, तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास में 2 के बराबर। जे के सामने क्या लिखा हुआ है, जे के सामने भी लिखा हुआ है 2, तो बी हो गया हमारे पास में 2 के बराबर। और K के सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3, तो C हो गया बेटा हमारे पास में 3 के इक्वल। समझ आ रही बात? तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास में डायरेक्शन रेशो, ये हो गया है बेटा हमारे पास में डायरेक्शन रेशो। अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। देखो बेटा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये देखो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
पी क्यू के ऊपर ये मैंने कैप लगा दी है, पी क्यू के ऊपर मैंने कैप लगा दी है, ये जो पी क्यू के ऊपर कैप है ये यूनिट वेक्टर को दिखाएगी। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये है, रिलेटिव वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो बेटा, रिलेटिव वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो। अब बताओ जरा रिलेटिव वेक्टर कितना है आपके पास में, अब आप हमें ये बताओ कि रिलेटिव वेक्टर है कितना आपके पास में। भाई रिलेटिव वेक्टर है हमारे पास में ये, यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बेटा मॉड कितना आएगा, मॉड आएगा हमारे पास में 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में 17। 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, तीनों को ऐड करेंगे आगे, इतना समझ आ रही बात। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले निकालते हैं L, क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग L। L कितना आएगा बेटा, 2 को अंडर रूट 17 से डिवाइड करोगे तो L की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2 अपॉन अंडर रूट 17। अच्छा J के जो सामने लिखा होगा ये कहलाएगा M, M की वैल्यू भी आ गई मेरे पास में 2 अपॉन अंडर रूट 17। और जो N की वैल्यू आई है स्टूडेंट मेरे पास में वो आई है 3 अपॉन अंडर रूट 17। बेटा ये आ गया है हमारे पास में L, ये आ गया है हमारे पास में M, और ये आ गया है हमारे पास में N। और इन L, M और N को हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हो गया है रिलेटिव वेक्टर, ये हो गया है डायरेक्शन रेशो, ये हो गया है हमारे पास में यूनिट वेक्टर, और ये हो गया है डायरेक्शन कोसाइन। उम्मीद है कि ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये आप लोगों को बेटा अच्छे तरीके से समझ में आया हो, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, अब देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मैं नोट पॉइंट बनाकर आप लोगों को बताता हूँ। भाई मान लीजिए कि हमारे पास में कोई यूनिट वेक्टर है। देखो यूनिट वेक्टर की हम पहचान कैसे करेंगे और रिलेटिव वेक्टर की पहचान हम कैसे करेंगे, जब किसी वेक्टर के ऊपर लगा होता है कैप, क्या लगा होता है कैप, वो दिखाता है यूनिट वेक्टर को। और जब किसी वेक्टर के ऊपर लगा होता है एरो का साइन, काहे का साइन, तो वो दिखाता है रिलेटिव वेक्टर को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अगर वेक्टर के ऊपर एरो का साइन लगा है तो वो रिलेटिव वेक्टर को शो करेगा, और अगर कैप लगा है तो वो यूनिट वेक्टर को शो करेगा। तो बेटा मेरे पास में एक यूनिट वेक्टर है इतना, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में एक यूनिट वेक्टर बेटा इतना है। अच्छा ये जो एल एम एन है ये क्या है, ये जो L, M एंड N है बेटा इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। समझ आ रही है बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, और कंडीशन ये है कि यूनिट वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है बेटा, यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है मॉड वो 1 के इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 के इक्वल होगा। अब आप ये देखो कि यूनिट वेक्टर का मॉड आप बना कैसे सकते हो, भाई मॉड निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट। बताओ यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आई के सामने लिखा है एल, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस, समझे बेटा। यहाँ जे के सामने क्या लिखा है एम, तो मैं यहाँ कर दूंगा बेटा एम स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस। और यहाँ K के सामने लिखा है N, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एन स्क्वायर, और इसका मॉड है 1 के इक्वल। ये मैंने यूनिट वेक्टर का मॉड निकाल दिया, मॉड निकालने का तरीका ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ बेटा, ठीक है। तो हमारे पास में कंडीशन आ गई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अंडर रूट इधर ले जाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। लो बेटा ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एल क्या है भाई, एल है यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आई का जो कॉफिशेंट होता है उसे हम एल बोलते हैं। एम क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जे का जो कॉफिशेंट होगा उसे हम एम कहेंगे। एन क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद के का जो कॉफिशेंट होगा उसे हम एन कहेंगे। और ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का तरीका है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो बाकी एल को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा। एल को लिखा जा सकता है कॉस अल्फा। मैं बताऊंगा कॉस अल्फा क्या है, समझिएगा। एम को लिखा जा सकता है कॉस बीटा और एन को लिखा जा सकता है कॉस गामा। ध्यान से बेटा, एल को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, एम को हम लिख सकते हैं कॉस बीटा और एन को हम लिख सकते हैं कॉस गामा। अब सवाल उठा कि ठीक है यार, हम ये लिख तो सकते हैं लेकिन ये सही मायने में एल एम एन है क्या? ये जो एल एम एन है हमारे पास में, ये है क्या? ये हम लोगों को देखना है बेटा कि ये जो एल एम एन है ये है क्या। चलिए देखते हैं। देखो बेटा कैसे बनाएंगे कंडीशन। भाई हम जानते हैं कि ये होता है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस और ये है हमारे पास में जेड एक्सिस। समझ रहे हो स्टूडेंट, ये है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस और ये है हमारे पास में जेड एक्सिस और ये है हमारे पास में ओरिजिन। ये हमारे पास में ओरिजिन है स्टूडेंट, ओके, एक्स वाई जेड। अब मैंने आपके सामने एक यूनिट वेक्टर बनाया बेटा, यहाँ पर मैंने एक आपके सामने एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर बनाया स्टूडेंट। देखिए मैंने आपके सामने एक यूनिट वेक्टर यहाँ बनाया, ये यूनिट वेक्टर है हमारा। ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, ये यूनिट वेक्टर यहाँ से जो एंगल बनाएगा, यहाँ से जो एंगल बनाएगा इसे हम नाम देंगे अल्फा। ये जो वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है बेटा, ये जो वेक्टर है हमारे सामने ये है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर यहाँ से जो एंगल बनाएगा, या ये कोई भी वेक्टर है आपके सामने, ये वेक्टर यहाँ से जो एंगल बनाएगा ये कहलाएगा अल्फा। ये वेक्टर वाई से जो एंगल बनाएगा इस एंगल को हम नाम देंगे बीटा। क्या नाम देंगे बेटा, ये एंगल हमारा कहलाएगा बीटा। इसके बाद देखिए ये वेक्टर जेड से जो एंगल बनाएगा, ये जेड से जो एंगल बनाएगा इस एंगल को हम नाम देंगे गामा। समझ आ रही है स्टूडेंट, ये जो यूनिट वेक्टर आपके सामने है या ये जो रिलेटिव वेक्टर आपके सामने है, ये एक्स से जो एंगल बनाएगा वो तो अल्फा है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो तो अल्फा है, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो बीटा है और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो गामा है। यानी एल को मैंने लिख दिया है कॉस अल्फा, एम को मैंने लिख दिया है कॉस बीटा और एन को मैंने लिख दिया है कॉस गामा। और इनकी वैल्यू मैं यहाँ से उठाकर यहाँ भी पुट कर सकता हूँ बेटा, तो एल की जगह आ जाएगा मेरे पास में कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह आ जाएगा मेरे पास में कॉस स्क्वायर बीटा और एन की जगह आ जाएगा मेरे पास में कॉस स्क्वायर गामा और इन सब का सम होगा वन के इक्वल। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। इतना रिजल्ट हमारा निकल चुका है बेटा। ये है यूनिट वेक्टर, एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन। एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है। एल को हम ये लिख सकते हैं, एम को हम ये लिख सकते हैं, एन को हम ये लिख सकते हैं। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, बीटा क्या है वाई एक्सिस से कितना एंगल बनेगा और गामा क्या है जेड एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, वो हमारा कहलाएगा गामा। उम्मीद है कि आपको समझ आई हो बात, ठीक है। नोट कर लीजिए, चिंता मत करिए, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में से। चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी आगे और।
भाई पहला जो रिजल्ट हमने निकाला है, फर्स्ट रिजल्ट जो हमने निकाला है वो ये है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास में। उसके बाद हमने आपसे कहा कि भाई एल को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम को हम लिख सकते हैं कॉस बीटा, एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन को हम लिख सकते हैं कॉस गामा। समझ आ रही होगी सभी लोगों को बात। जब इनकी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पुट करी तो बेटा रिजल्ट निकल गया हमारे पास में ये, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, ये रिजल्ट निकल गया हमारा। एक फार्मूला हमारे पास में ये हो चुका है और एक फार्मूला हमारे पास में ये हो चुका है। मैं इससे एक और कंडीशन बना सकता हूँ बेटा, मैं इससे एक और कंडीशन बना सकता हूँ, कैसे जरा समझिए। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में 10th क्लास में हमने कई बार पढ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गामा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करके फाइनली हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा ये, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अगर फॉर्मूला साइन के टर्म में आपको दे रखा है, अगर फॉर्मूला साइन के टर्म में आपको दे रखा है तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। और अगर फॉर्मूला आपको दे रखा है कॉस के टर्म में तो ये रिजल्ट बनेगा बेटा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और अगर एल एम एन यानी सीधा डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है तो डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास में। कभी कभार तो ऐसा होता है भाई, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं लाइक नीट और एम्स, अब तो हालांकि दो एग्ज़ाम नहीं होते, एक ही एग्ज़ाम होते हैं, कभी कभार क्या मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इसके ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप जानते हैं ना अल्फा बीटा क्या है भाई, अल्फा कहाँ से एंगल बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल कहाँ से बनेगा बेटा, बीटा एंगल बनेगा वाई एक्सिस से, ओके। गामा एंगल कहाँ से बनेगा बेटा, गामा एंगल बनेगा जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो अल्फा है, वाई एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो बीटा है, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो हमारा गामा है, और ये हमारे हैं रिजल्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे बेटा, कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करेंगे दो बढ़िया सी प्रॉब्लम इसके ऊपर, बहुत शानदार सी प्रॉब्लम बनाएंगे हम दो इसके ऊपर, ठीक है। पहले आप इसे करिए सॉल्व, ओके स्टूडेंट। देखिए बेटा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 1, हमें दिया गया है एक वेक्टर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल्स फॉर्म्ड बाय वेक्टर फॉर्म्ड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनेगा ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखो बेटा, ये जो गिवन है आपको, ये क्या गिवन है आप लोगों को, जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई, हम लोगों को गिवन है एक वेक्टर जिसका नाम है रिलेटिव वेक्टर। अगर हमें एंगल निकालना है तो सबसे पहले इस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एंगल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइन हो, और डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास में होती है यूनिट वेक्टर में। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को बदलते हैं यूनिट वेक्टर में, कैसे, ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी। समझ रहे हो बेटा, सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड ए बी और देखते हैं मॉड ए बी कितना निकल कर आएगा। देखो आई के सामने है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, जे के सामने है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1,
के सामने है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये निकल जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 3। समझ रहे हो बेटा, ये हमारा निकल चुका है वेक्टर का मॉड। अब हम निकालते हैं ए बी कैप। देखो ए बी कैप कितना आएगा, ए बी कैप निकालने का तरीका है ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी। अब आप देखो बेटा, जो ए बी वेक्टर है वो कितना है आपके पास में, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। अपॉन में देखिए क्या है हमारे पास में, अपॉन में है हमारे पास में मॉड ए बी, है ना मॉड ए बी, और मॉड ए बी की वैल्यू कितनी है, मॉड ए बी की वैल्यू है अंडर रूट 3। चलो बढ़ते हैं आगे, हमारे पास में बनेगा ए बी कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप, ठीक है बेटा। इसके बाद प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप, ये बन गया बेटा हमारे पास में रिजल्ट। 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप, 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप और 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। देखो ये हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद ये जो आई के सामने हमारा लिखा हुआ है ना बेटा, ये कहलाएगा एल। ये जो जे के सामने लिखा हुआ है ये कहलाएगा एम, और ये जो के सामने लिखा हुआ है ये कहलाएगा एन। यानी मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट कि एल की जो वैल्यू है वो होगी कॉस अल्फा के बराबर, और एल की वैल्यू निकल कर आई बेटा हमारे पास में ये। अब देखो बहुत सारी चीज़ें इलेवेंथ क्लास में ऐसी आएंगी जिनकी परफेक्ट वैल्यू आप लोगों को पता नहीं होगी, जैसे कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि कॉस के अंदर ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में ना बेटा एंगल निकालने का तरीका ये होता है, अल्फा इज इक्वल टू सिर्फ इतने हिस्से को ना, कॉस को इक्वल टू से इधर ले जाओ। जब कॉस इक्वल टू से इधर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स और ये बन जाएगा 1/√3। एंगल हमारा इतना हो जाएगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो इतना एंगल बनेगा बेटा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है बेटा ये, ठीक है ओके। अब आते हैं हम लोग आगे, अब हम लोग निकालते हैं m की वैल्यू। m क्या होगा भाई हमारे पास में, m होगा कॉस बीटा, कॉस बीटा। m की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में, m की वैल्यू भी है 1/√3, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा कॉस की, कॉस के अंदर ये किसी की परफेक्ट एंगल की वैल्यू नहीं है, कॉस के अंदर ये वैल्यू परफेक्ट एंगल की वैल्यू नहीं है। तो हम एक काम करेंगे बेटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√3 और बीटा निकल जाएगा हमारा यहाँ से कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली फाइनली एन इज इक्वल टू बेटा निकला हमारे पास में कॉस गामा, कॉस गामा की वैल्यू भी है 1/√3। देखो एन की वैल्यू भी है हमारे पास में 1/√3, तो यहाँ से स्टूडेंट गामा की जो वैल्यू निकल कर आएगी बेटा वो भी आएगी कॉस इनवर्स 1/√3। देखो आप ध्यान से, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए तीनों केस में कॉस को उधर ले गए और उधर जाकर ये बन गया कॉस इनवर्स। अब जो वैल्यू अल्फा की है बिल्कुल वही वैल्यू बीटा की है, बिल्कुल वही वैल्यू गामा की है। तो बेटा हम लोग बिल्कुल आसानी से ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, हम ये कह सकते हैं। जितना एंगल एक्स एक्सिस से बनेगा बिल्कुल उतना ही वाई एक्सिस से बनेगा और बिल्कुल उतना ही जेड एक्सिस से बनेगा। वेक्टर जितना एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा उतना ही वाई एक्सिस से बनाएगा और उतना ही जेड एक्सिस से बनाएगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। अब ध्यान से नोट करिएगा, इसे काफ़ी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है करिए नोट डाउन, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल बना हमारे पास में ये। भाई हम लोगों को एक वेक्टर दे रखा है और ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। हम लोगों को एक वेक्टर दे रखा है और वो है आई कैप प्लस जे कैप। हमें वही अल्फा बीटा गामा बताना है कितना होगा, तो सबसे पहले हमें इसे बनाना होगा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मॉड से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मॉड कितना आने वाला है बेटा, मॉड ऑफ ए बी कितना आने वाला है, मॉड ऑफ ए बी आने वाला है आई के सामने क्या है 1,
वन का स्क्वायर करेंगे वन, जे के सामने क्या है वन, वन का स्क्वायर करेंगे वन, और ये निकल जाएगा हमारे पास में अंडर रूट टू। सो स्टूडेंट देखिए बेटा ध्यान से, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में यहाँ से, ये निकल कर आएगी वन अपॉन अंडर रूट टू आई कैप, ओके बेटा। इसके बाद यहाँ निकल कर आएगा वन अपॉन अंडर रूट टू जे कैप। कैसे आया निकल कर? भाई ए बी की जगह तो मैंने ये रखा और मॉड की जगह रखा अंडर रूट टू, और इसको जब अंडर रूट टू से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा। के इसमें है नहीं, क्या के इसमें है? नहीं है। और के अगर यहाँ नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ज़ीरो के, जब के यहाँ नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया बेटा ज़ीरो के। अब आप देखो स्टूडेंट, बेटा आई के सामने लिखा हुआ है ये, देखो ध्यान से, आई के सामने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, आई के सामने लिखा हुआ है ना, ये हमारी एल की वैल्यू हो गई वन अपॉन अंडर रूट टू, और इस एल को हम लिखेंगे कॉस अल्फा के इक्वल। और आपको याद होगा यार, इतना तो सबको याद होना चाहिए कि कॉस के अंदर वन अपॉन अंडर रूट टू जो वैल्यू होती है ये 45 डिग्री की होती है। सो अल्फा निकल चुका है बेटा हमारे पास में 45 डिग्री। अच्छा, जे के सामने लिखा हुआ है वन अपॉन अंडर रूट टू, तो मैंने लिख दिया है एम इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू, और ये वैल्यू होती है हमारी कॉस बीटा की। कॉस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू, बेटा बीटा भी निकल गया हमारे पास में यहाँ 45 डिग्री, अल्फा भी निकल चुका है 45 डिग्री, और बीटा भी निकल चुका है हमारे पास में 45 डिग्री। होप्स हो कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हो और कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को ना हो, ठीक है। फाइनली एन की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास में वह है ज़ीरो। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? एन की वैल्यू है हमारे पास में ज़ीरो। तो इस एन को हम रखेंगे कॉस गामा के इक्वल, एन को हम रखेंगे कॉस गामा के इक्वल, ठीक है। अब कॉस गामा इक्वल टू ज़ीरो है, समझ में आ रही बात? कॉस के अंदर ज़ीरो वैल्यू होती है बेटा 90 डिग्री की, तो गामा निकल गया 90 डिग्री, अल्फा निकल गया 45 डिग्री, और बीटा भी निकल चुका है 45 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा, यानी वेक्टर एक्स एक्सिस से बनाएगा 45 डिग्री, वाई एक्सिस से बनाएगा 45 डिग्री, और जेड एक्सिस से बनाएगा 90 डिग्री। ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा। आपको पता है ना कि अल्फा वाला एंगल कौन सा होता है? अल्फा एंगल होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। बीटा वाला एंगल कहाँ से होता है? बीटा वाला एंगल होता है फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये एंगल कहाँ से होता है? ये एंगल होता है फ्रॉम जेड एक्सिस। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ रही हो बेटा बात। नोट करिए आप लोग, ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें को इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितनी बातें मैंने आज की क्लास में आपको बताई हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। ये रिलेटिव वेक्टर, ये डायरेक्शन रेशो, और ऐसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। भाई इसके बाद हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा, और जब एक बार हम यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, ये जो आई के सामने लिखा है ये कहलाता है एल, ये कहलाता है एम, और ये कहलाता है एन। इन्हें हम नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं हम लोग इन्हें? इन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पहले हमने दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेक्टर निकाला, फिर हमने डायरेक्शन रेशो निकाले, फिर हमने यूनिट वेक्टर निकाला, फिर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाली स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ हमने बताया है आपको कंसेप्ट। मान लो कि पहले से ही यूनिट वेक्टर हमें गिवन है, एल एम एन, ये डायरेक्शन कोसाइन है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के इक्वल। तो एक फॉर्मूला तो बन जाएगा हमारा ये, एल की जगह हम ये लिख सकते हैं, एम की जगह ये लिख सकते हैं, और एन की जगह ये लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख के दिखा दिया आपको। अब ये अल्फा बीटा और गामा क्या है? वेक्टर यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है,
वाई से जो एंगल बनाएगा वो बीटा है और जेड से जो एंगल बनाएगा वो गामा है बेटा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कंसेप्ट हो गए हैं, अच्छे से इन्हें कॉपी में नोट करिएगा, और ये हो गई है इसके ऊपर प्रॉब्लम स्टूडेंट, ठीक है बेटा। अब आप लोगों का काम ये है कि इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो, सारे एग्जाम्पल को क्लास वर्क कॉपी होमवर्क कॉपी में रिपीट करो। NCERT वाली सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व करा दिए हैं बेटा। आप लोगों का काम यह है कि उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करो और अलग से उनकी कॉपी बनाओ। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की जो क्लास है वो 1 जुलाई से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, तब और मज़ा आएगा पढ़ने में और बहुत सारी चीज़ें नई निकल कर आएंगी आपके सामने बेटा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।